दोस्तों आज मैं आप लोगों को वेट लॉस रेसिपी बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा लजीज भी बनने वाली है ये रेसिपी, जिसमें आप लोगों को लेना है 1 गिलास पानी और उसमें आप लोग डाल दीजिए गुड़ को, जिगरी जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ये गुड़ों की खान होता है गुड़, आप लोगों को पता है कि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और जो लोग मीठा नहीं खाना चाहते, जैसे कि आप लोगों को रिफाइंड शुगर जो है वो अवॉइड करना है, तो आप लोग उसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं ये रेसिपी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। सर्दियों में तो आप लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें क्योंकि ये रेसिपी जो है सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है और आप लोग इसका इसका स्वाद भी ले सकते हैं। जो लोग मीठे को पसंद करते हैं वो लोग इनका इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा और आप लोगों की जो भूख है वो भी कम होगी साथ ही साथ, और आप लोगों के लिए हेल्दी भी है। तो सबसे पहले आप लोग जो हैं जो गुड़ है उसको पूरी तरीके से पानी के अंदर उबालें और उसके अंदर उसके बाद में आप लोग जो हैं दिवाली के ऊपर आप लोगों को पता है कि खिलिया बहुत ज़्यादा आती है जिसे मुरमुरा बोलते हैं हम लोग, तो उसका इस्तेमाल आप लोगों को करनी है। मुरमुरा जो है एक्चुअली में एक हेल्दीस्ट वे में आता है आप लोगों के लिए, चावलों का ही होता है और आप लोगों के लिए कार्ब्स का काम करेगा थोड़ा बहुत, जो आप लोगों को एनर्जेटिक बनाएगा, तो आप लोग ये इस्तेमाल में ले सकते हैं। और दूसरा है आप लोगों के लिए चिया सीड्स, चिया सीड्स इसमें आप लोग डालें। देखिए चिया सीड्स में डाल रहा हूँ, अपनी इच्छा अनुसार आप लोग डाल सकते हैं इसमें चिया सीड्स, और जो मुरमुरा है वो भी आप लोग अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जब गुड़ जो है वो पूरी तरीके से थोड़ा बहुत अलग से लाल हो जाएगा उसके बाद में आप लोग इस रेसिपी को उतार सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जितना मुरमुरा या ये जो दीपावली पर आने वाली जो खिलियाँ हैं आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, और भी डाल सकते हैं आप लोग की इच्छा है। पानी जब भाप बनकर उड़ जाएगा तो ये टाइट होने लग जाएगा धीरे धीरे। जब किसी भी बर्तन में जब आप लोग इसको निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग उसमें पहले ही उसे जो है थोड़ा चिकना कर लें, घी लगा लें उस पर, ताकि ये जो रेसिपी बनने वाली है वो उस पर चिपके नहीं, तो अच्छी है और स्वादिष्ट भी बनेगी, आप लोगों को पूरा प्रोटीन भी देगी क्योंकि इसमें चिया सीड्स हैं और फाइबर है, आयरन से भरपूर गुड़ है इसमें, तो आप लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी तो होने वाली नहीं है। सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। तो देखिए धीरे धीरे करके ये रेसिपी अच्छी बनने वाली है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहूँगा कि आयरन है, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, फाइबर है और एनर्जेटिक है, कार्ब्स जिसमें कहते हैं, तो इस प्रकार ये रेसिपी जो है आप लोगों के सामने तैयार हो चुकी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को वेट कम करना है, जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वजन की वजह से, चल पा रहे नहीं हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आप लोगों को आ सकती है वेट की वजह से, बैली फैट बढ़ चुका है, तो आप लोग अपने खाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि मेरे लिए तो मेरा फूड ही मेडिसिन है, और अगर आप लोग अपने खाने पर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग मोटे ही रहेंगे, आप लोगों को हेल्दी कोई नहीं बना सकता, सिर्फ फूड ही मेडिसिन होता है, और अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग जो हैं हेल्दी रहेंगे। अगर आप लोग दृढ़ निश्चय नहीं रहते हैं और वही जो फ्राइड फूड है या हम लोग कहें कि आलू चिप्स वगैरह खाते हैं और बाहर का भोजन खाते हैं जो बहुत ज़्यादा मसालों से बना हुआ होता है, तो आप लोग अनहेल्दी रहेंगे। तो इस प्रकार जो रेसिपीज हैं वो बनाते रहिए और खाते रहिए और हेल्दी रहिए। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी हमेशा लाता रहूंगा और आप लोगों को हेल्दी बनाता भी रहूंगा अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आप लोगों की मर्जी है। तो देखिए घी लगाया हुआ है पहले से ही प्लेट के अंदर और ये रेसिपी तैयार है, आप लोग इसका स्वाद चख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।